नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं संजय और इंडिया टेक चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं वो है कि वेबसाइट पे ट्रेन का टिकट कैसे बुक करें। IRCTC के जो वेबसाइट होता है उसमें ट्रेन का टिकट कैसे बुक करें। तो चलिए उसके लिए हमने अपना ब्राउज़र ओपन करना है। तो ब्राउज़र ओपन कर लिया, अभी न्यू टैब में गया तो उसमें लिखना है IRCTC और एंटर करना है। तो गूगल में खुल जाएगा, पहला जो आएगा ऑप्शन IRCTC नेक्स्ट जनरेशन ई टिकट टिकटिंग सिस्टम, तो उसमें क्लिक करना है। ठीक है, उसमें क्लिक करने के बाद एक पेज खुल जाएगा अपने पास जो इंडियन रेलवे का ऑफिशियल पेज है। टिकट बुकिंग, इसमें हम टिकट बुकिंग कर सकते हैं, टूरिज़्म भी है, फ्लाइट बुकिंग भी कर सकते हैं, बहुत कुछ है ऑप्शन। तो हम लोग आज टिकट बुकिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये खुल जाएगा अपने पास। तो इधर इसके लिए पहले यहाँ पे मतलब लॉगिन करना पड़ेगा, ताकि आप टिकट अपने अकाउंट पे लॉगिन की करिए, उसके बाद टिकट उस अकाउंट थ्रू बुक करना पड़ता है। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो इधर आप साइन अप कर सकते हैं। आज ये ऑप्शन आज बंद है, लेकिन मैं अभी बताने जाऊंगा तो वो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे इधर कैसे टिकट बुकिंग करते हैं। ठीक है, तो इधर अपना यूज़र आईडी डालिए, उसके बाद इधर पासवर्ड डालिए, उसके बाद नीचे जो कैप्चर आएगा वो कैप्चर आप एंटर कीजिए, फिर लॉगिन पे क्लिक कीजिए तो ये लॉगिन हो जाएगा। मैं ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हूँ। ठीक है, तो ये पेज आएगा आपके पास। ठीक है, तो उससे पहले चीज़ जो आएगा स्टेशन, फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन। फ्रॉम स्टेशन जैसे दे दिया आप ये अहमदाबाद देखिए आ गया, क्लिक किया। दूसरा स्टेशन मैंने दे दिया हावड़ा जंक्शन, आ गया देखिए, क्लिक कर लिया। डेट जो देना है वो दे दिया, चलिए करीबन मैं देता हूँ, इजीली अवेलेबल तो नहीं रहता है, तो 30 तारीख का डेट दे दिया मैंने। ठीक है, अभी सबमिट कर दिया, ये मैंने लॉग आउट हो गया ऑटोमेटिक, कोई बात नहीं, एक मिनट रुकिए मैं अभी कर लेता हूँ। जैसे ट्रेन फ्रॉम स्टेशन का नाम दे दिया, टू स्टेशन जिधर जाना है वो दे दिया, और डेट दे दिया 23 तारीख का डेट दे दिया, और सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही अपने पास इधर आ गया ट्रेन बिटवीन स्टेशन, स्टेशन के बिटवीन में जो भी ट्रेन है वो सब आ गया। जैसे आ गया देखिए हावड़ा एक्सप्रेस, कोलकाता एक्सप्रेस, पोरबंदर हावड़ा एक्सप्रेस, तो जिसमें करना है मेरे को हावड़ा एक्सप्रेस में करना है, और स्लीपर क्लास में क्लिक किया तो इधर देखिए ऊपर में आ जाएगा आपके पास बुक अवेलेबल जितना है वो आ गया। तो बुक नाउ पे मैं गया, पहला जो ऑप्शन है पर्सनल डिटेल्स फिल कर, जर्नी डिटेल्स तो ऑलरेडी हम लोग उधर दे दिया था एंट्री में, क्योंकि जिस स्टेशन से जिस स्टेशन जाना है जो भी ट्रेन सिलेक्ट किया उसके बाद आया, तो पर्सनल डिटेल्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इधर आ गया आपका नाम देना पड़ेगा, नाम दे दिया, उसके बाद एज देना पड़ेगा, एज दे दिया मैंने, जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा, कर दिया। प्रेफरेंस बात, आप कौन से सीट में सीट स्लीपर क्लास जो है मैंने सिलेक्ट किया, तो कौन से स्लीपर क्लास चाहिए, लोअर बात चाहिए कि मिडिल बात चाहिए कि अपर बात चाहिए, या साइड लोअर चाहिए या साइड अपर चाहिए, जो भी है सिलेक्ट कीजिए, मैंने लोअर सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इधर वाला कोई भी कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, जो भी है आप अपना एक कुछ आईडी वैलिड आईडी प्रूफ कार्ड लेके जाइए तो उससे हो जाएगा। ठीक है, तो लोअर सिलेक्ट कर दिया मैंने, उसके बाद ये चाइल्ड बिलो 5 ईयर्स के लिए है, ये अगर है आपके पास चाइल्ड तो उसका नाम लिखिए, एज लिखिए, और जेंडर दे दीजिए। फिर आएंगे इधर
कंसिडरेशन फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, अगर आपको बुकिंग मतलब कंफर्म टिकट नहीं मिलता है तो ये आप कर सकते हैं, या आपको कंफर्म बात नहीं मिला तो एक टिक कर सकते हैं। अगर कंफर्म मिल रहा है आपको तो ये टिक कीजिए, मैं जैसे ये टिक किया, बुक ओनली इफ कंफर्म बात आर एलोटेड, ठीक है। तो बुक ओनली इफ ऑल बर्थ्स आर एलोटेड इन सेम कोच, ठीक है, सेम कोच में है तो अगर दो तीन एक साथ में टिकट कर रहे हैं तो ये काम में है, एक कर रहे हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे, मतलब थर्ड वाला। बुक ओनली इफ एट लीस्ट वन लोअर बर्थ इज एलोटेड, क्योंकि मैंने लोअर बर्थ दिया तो एलोटेड कर दिया। इधर प्रेफर्ड कोच आई डी, अगर टिक किया तो इधर जो भी आपको कमरा चाहिए, कोच नंबर चाहिए वो कोच नंबर दीजिए, मेरे को ज़रूरत नहीं है तो नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, जो भी ट्रैवल इंश्योरेंस एक्सेप्ट कर और एक्सेप्टेड सिलेक्ट रहता है। और ये जीएसटी का ऑप्शनल अभी आ गया है, हमें कैप्चर जो है वो आपको टाइप करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, और इधर मोबाइल नंबर भी डालना था, ठीक है। अभी बैंक से पेमेंट ऑप्शन में आ गए हम लोग, पेमेंट ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इधर बहुत मल्टीपल ऑप्शन है जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं, मैंने सिंपल ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, मैं डेबिट कार्ड से कैसे करेंगे, तो डेबिट कार्ड वाला सिलेक्ट किया। सिर्फ पिन चाहिए, उसके लिए अपने को कोई ऑनलाइन नेट बैंकिंग का कोई पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं चाहिए, या मोबाइल नंबर ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि डेबिट कार्ड में कार्ड दिया, पिन नंबर दिया, ऑटोमेटिक पैसा काट लेता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर मेक पेमेंट क्लिक किया, ठीक है। इधर कार्ड नंबर डालिए आपका, जो भी कार्ड नंबर है यहाँ पे, कार्ड नंबर के बाद है वैलिड इन एक्सपायरी डेट, वैलिड डेट और एक्सपायरी डेट, जितने दिन तक आपका कार्ड का वैलिडिटी है, वैलिडिटी डालिए, इधर मंथ, इधर ईयर डाल दीजिए, फिर कार्ड होल्डर का नेम, जो भी नाम है वो डाल दीजिए, फिर एटीएम पिन दे दीजिए, जो कार्ड एटीएम से पैसा निकालते हैं तो जो पिन डालते हैं उस टाइम कार्ड का, तो वही पिन इधर दीजिए, और यहाँ पे जो कैप्चर है वो कैप्चर डाल के आप प्रोसीड कर दीजिए। तो मैं अभी टिकट बुक फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, डेमो के लिए ये किया। तो इधर से आप प्रोसीड करेंगे तो वो जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर पर आपका मतलब सॉरी मोबाइल नंबर नहीं, इधर से प्रोसीड करेंगे तो डायरेक्ट पैसा कट लेगा और आपका जो भी नई टिकट है वो कंफर्म करके आपको दे दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इससे कुछ हेल्प होगा आप लोगों का। अगर कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरी रहे तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक कीजिए, एक तो लाइक बनता है, इतना मेहनत किया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपका फैमिली या फ्रेंड्स जो भी है जिनके साथ शेयर कर ले, वो लोग कभी अकेला पड़ जाए तो अपने टिकट खुद से बुक कर सकते इस वीडियो की मदद से। और अच्छा लगा है तो, और अगले आने वाले वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो इंडिया टेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कीजिए तो सब्सक्राइब हो जाएगा, उसके बाजू वाला बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आगे वो आपको मिलते जाएगा, ठीक है। तो चलिए नमस्ते, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पर।